हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th मैथ में हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, चतुर्भुजों को समझना। और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। पर एक्सरसाइज करने से पहले पिछली वीडियो आप जरूर देख लें। यहाँ कॉर्नर में आई बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो चीजें हमने समझी है उन्हीं की जरूरत हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। ये आकृतियां आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन आकृतियों में आपको वर्गीकरण करना है। नीचे ये लिखा हुआ है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो यहाँ पर इसके हिसाब से इनका वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले साधारण वक्र। साधारण वक्र कौन से होते हैं? जो वक्र खुद को कहीं नहीं काटते हैं, तो खुद को ना काटें इस तरह के वक्रों को हम साधारण वक्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं, इसमें कहीं ये किसी खुद को नहीं काट रहा है। सेकंड इसी तरह का है, उसके बाद फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ है। ये थर्ड नहीं है क्योंकि इसमें दो वक्र आ रहे हैं एक साथ। फोर्थ नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये काट रहा है, देखो बीच में। और ये एट्थ जो है, इसमें भी ये वक्र जो है, ये एक अलग वक्र आ रहा है, ये अलग आ रहा है और ये वाला अलग वक्र आ रहा है। तो साधारण वक्र में आपके पास आ गया नंबर वन, फिर सेकंड, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ये आप इसका आंसर लिखेंगे। बी, साधारण बंद वक्र। अब साधारण वक्र कौन से हैं वो हमने ये देखे, वन टू फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ। तो इनमें से ही अब हमें देखना है बंद कौन कौन से। तो इन्हीं में से बंद कौन कौन से हैं? वन है बंद, टू है बंद, उसके बाद फिफ्थ भी बंद है, सिक्स भी बंद है और सेवन्थ भी बंद है। सभी ये बंद ही हैं। तो यहाँ भी इसका आंसर साधारण बंद वक्र में भी यही आ जाएगा, वन टू फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बहुभुज। बहुभुज ऐसे बंद वक्र होते हैं जो सिर्फ रेखाखंडों से बने हो। तो रेखाखंडों से कौन कौन से बने हैं? बंद भी है, तो ये है वन, उसके बाद ये सेकंड भी इसी तरह का है, तो ये दो इसमें आ जाएंगे बहुभुज में, नंबर वन और नंबर टू। तो यहाँ पर आप लिख देंगे वन टू। इसमें उत्तल बहुभुज पूछा है, उत्तल बहुभुज भी इन बहुभुजों में से होंगे। तो ये देखिए, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं, और ये जो है इसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो उत्तल बहुभुज में आ गया ये सिर्फ सेकंड, और अवतल, अवतल हमने ये बोला फर्स्ट है, तो यहाँ पर आ गया ये फर्स्ट। तो इस तरह से आपने इसका आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण है? उत्तल चतुर्भुज, एक समषट्भुज और एक त्रिभुज, इनमें कितने कितने विकर्ण बनते हैं? तो उत्तल चतुर्भुज इस तरह का होता है, समषट्भुज छह भुजाएं होंगी और छह की छह समान होंगी, और त्रिभुज ये। तो इनमें आपको बताना है कितने कितने विकर्ण हैं। तो विकर्ण हम जानते हैं कि दो शीर्षों को ज्वाइन करना है, मिलाना है, तब हमारे पास विकर्ण बनते हैं। लेकिन वो शीर्ष आसन्न नहीं होने चाहिए, अगल बगल में नहीं होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर शीर्ष जो है कौन कौन से आमने सामने आ रहे हैं, कौन कौन से जो है आसन्न नहीं है, वो देखना है। तो ये जैसे यहाँ पर ये वाला शीर्ष, अगर हम इसकी बात करें तो इसके आसन में ये वाला है और ये वाला है, तो इन दोनों को छोड़ दें, तो इसके साथ हमें मिलाना है। तो इस तरह से हमें मिलाना होता है हमेशा। तो जितने भी रेखाखंड बनेंगे वो विकर्ण होंगे। तो यहाँ पर कितने बन सकते हैं? तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो एक ये हो सकता है, दूसरा यहाँ से ये हो सकता है, तो इसके टोटल दो विकर्ण आए। तो यहाँ पर आप इस तरह की आकृति बनाएंगे और उसके साथ आप लिख देंगे दो विकर्ण, तो इसका आंसर दो विकर्ण हो गया। उसके बाद समषट्भुज की बात करें तो समषट्भुज में भी बस अगल बगल वाले नहीं मिलाने आपने, उसके अलावा आपने सभी मिलाने। तो यहां से अगर हम शुरू करें तो ये यहां नहीं बन सकता विकर्ण, यहां बन सकता है एक इसी पॉइंट से, और भी बन सकता है ये दो इसी पॉइंट से, फिर एक और बन सकता है तीन, तो तीन बन गए यहां से। नेक्स्ट से बात करें तो तीन यहां से भी बन सकते हैं, कहां कहां, एक दो
और ये तीन, तो तीन पहले बने, तीन ये छह हो गए। फिर यहां से बात करें तो यहां से एक पहले ही बना हुआ है, सात और आठ। यहां से देखें तो यहां से दो बन चुके हैं, एक बनाना है तो वो ये बन गया नौ। अब सभी जो इसके कोने थे, शीर्ष थे, उनसे तीन तीन बन चुके हैं, तो टोटल यहां पर नौ विकर्ण बन गए। तो यहां पर आप लिख देंगे नौ विकर्ण, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद अगर बात करें इस त्रिभुज की, तो त्रिभुज में आप देखें कोई भी ऐसा नहीं है इसमें शीर्ष जो आसन ना हो। यहां से अगर शुरू करना तो इसके आसन में बनता है ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर इन दोनों को तो मिला नहीं सकते, इसके अलावा है ही नहीं कोई चौथा, तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं है। तो आप लिख देंगे कोई विकर्ण नहीं, या शून्य विकर्ण भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसका ये आंसर करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होता है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? तो जब चतुर्भुज उत्तल होता है, आप जानते हैं उसके चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री बनता है, तो पहले वही लिखेंगे कि ये चतुर्भुज है, ये उत्तल है और इसके कोणों का योग 360 डिग्री है। उसके बाद है कि अगर अवतल हो चतुर्भुज इस तरह का, तो उसमें क्या होगा? तो दोनों के लिए आप आंसर लिखेंगे, सबसे पहले उत्तल जो है उसका, तो यहीं से आपने आंसर लिखना है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का मापों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इसका आंसर आप यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री। उसके बाद अवतल की बात करें तो अवतल ये है, और इसमें जो है चारों कोणों का योगफल देखना है। चारों कोण कौन कौन से आ रहे हैं? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये वाला, ये 180 डिग्री से भी ज्यादा है, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो इन चारों का टोटल कितना बनता है वो भी देखना है। तो यहाँ पर भी हम अगर उसी तरह से करें जैसे हमने पिछली वीडियो में इसके कोणों का योग देखा था, तो इसको भी हम दो त्रिभुजों में तोड़ सकते हैं। तो यहां से हम इस तरह से अगर एक रेखाखंड बना देंगे, इसका विकर्ण जो है, तो ये दो त्रिभुज बनेंगे, और इस त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होगा? तो वो 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और इस त्रिभुज के जो चार तीनों कोण आ रहे हैं इसका योगफल, वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, तो इनका भी योग 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसको भी आपने यहाँ पर लिख लेना है नीचे, अवतल चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज के कोणों का योगफल बराबर, तो वो भी उतना ही बन जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो इस तरह से आपने इसका ये आंसर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति दी हुई है अलग अलग, पहली आकृति ये त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं आ रही हैं, और इनके इसके तीनों कोणों का योगफल देखें तो वो 180 डिग्री होता है, पिछली क्लास में हमने देखा हुआ। जब चार भुजाओं वाला बना ये चतुर्भुज, बीच में हमने एक विकर्ण बनाया, उससे ये दो त्रिभुजों में बट गया, एक ये और एक ये, तो दो त्रिभुजों का, एक त्रिभुज का 180, तो दो त्रिभुजों का कितना हो गया, दो गुणा 180, तो ये 360 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पांच भुजाएं हैं, तो यहाँ पर तीन त्रिभुज बने, दो विकर्ण बनाए एक ही पॉइंट से, और ये जो तीन त्रिभुज बने, इनको हमने इन तीनों के कोणों का योगफल देखें तो 180 तीन बार हो जाएगा, 180 डिग्री इसका, 180 इसका, 180 इसका, तो 180 गुणा तीन बन गया। इसी तरह से छह भुजाओं वाला जो है षटभुज, इसमें चार त्रिभुज बन रहे हैं, तो 180 गुणा चार हो गया। तो यहाँ पर तीन भुजाएं थी तो 180 डिग्री बना, चार भुजाओं में दो गुणा 180, दो को अगर चार के हिसाब से लिखें तो चार से ये दो कम है, तो 4-2 लिख दिया। यहाँ पर ये बना तीन गुना 180, तीन जो है पांच से दो कम है, तो इसको तीन को 5-2 लिख दिया। ये छह भुजाओं वाला जो था, इसमें चार गुना 180 बना, चार जो है छह से फिर दो कम है, तो 6-2, तो सब में भुजाओं से दो कम करके उसको 180 से गुणा करना है, तो इस तरह से बन रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर पूछा हुआ है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो? अगर सात भुजाएं हो तो क्या बनेगी? छह था तो 6-2 बना था,
सात होगा तो सात माइनस दो बनेगा, तो इसका आप लिखेंगे सात माइनस दो गुणा 180 डिग्री इस तरह से, और सात माइनस दो हो गया पांच, पांच गुणा 180 डिग्री कर लेंगे आप, और ये 18 × 5 = 90, तो ये 900 डिग्री आ जाएगा। आठ के लिए क्या करेंगे, तो वही आठ माइनस दो गुणा 180 डिग्री, आठ माइनस दो छ हो गया गुणा 180 डिग्री, 18 × 6 करेंगे तो ये 108 आ जाएगा, और जीरो के साथ 1080 डिग्री बन जाएगा। सी में अगर 10 भुजाएं तो 10 माइनस दो करेंगे, सब में भुजाओं से 2 माइनस करके 180 डिग्री से गुणा करेंगे, तो 10 माइनस दो ये 8 हो गया गुणा 180 डिग्री, 18 × 8 144 और 0 1440 डिग्री, तो इस तरह से ये बन जाएगा। इसी तरह से बोला अगर भुजाएं एन हो तो क्या करना है, तो 10 थी तो 10 माइनस दो किया था, एन होगी तो एन माइनस दो करेंगे, तो वो आपने लिखना है एन माइनस दो गुणा 180 डिग्री, बस ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सम बहुभुज क्या है। एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं 4 भुजाएं 6 भुजाएं। तो सबसे पहले आपको सम बहुभुज बताना है, सम बहुभुज क्या है। तो सम बहुभुज क्या है, आप इसकी इसका आंसर लिखेंगे, एक ऐसा बहुभुज जो समभुज तथा समकोणिक को, सम बहुभुज क्या है, एक ऐसा बहुभुज जो समभुज तथा समकोणिक को, उसे हम सम बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज है उसमें समभुज है मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर हो, और समकोणिक मतलब सारे कोण बराबर हो। तो सम बहुभुज है एक ऐसा बहुभुज जो समभुज और समकोणिक हो, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो, उसे हम सम बहुभुज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट है कि 3 भुजाएं हो सम बहुभुज की, 3 भुजाएं हो तो त्रिभुज बनता है, लेकिन उसकी सम बहुभुज बोल रहे हैं तो सारी भुजाएं बराबर है, सारे कोण बराबर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। सेकंड बोला 4 भुजाएं, 4 भुजाएं हैं, चारों बराबर हैं और चारों कोण भी बराबर होंगे 90 डिग्री के, तो आप जानते हैं उसे हम कहते हैं वर्ग। और थर्ड है जब 6 भुजाएं हो, तो 6 भुजाएं हो तो षटभुज कहते हैं, आप सम है तो सम षटभुज बोल देंगे, तो 4 से ज्यादा भुजाएं हो तो सम लगा देते हैं, बस सम पंचभुज, सम षटभुज, सम सप्तभुज, तो इस तरह से आपका ये बनता है। तो 6 भुजाओं के लिए आपका बन गया सम षटभुज, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निम्नलिखित आकृतियों में एक्स यानी कि कोण की माप ज्ञात करिए। तो यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, ये हर एक में कोण दिए हुए हैं कुछ, और कुछ इनमें जो नहीं पता है उनकी जगह एक्स लिखा हुआ है, तो वो एक्स कितने डिग्री का कोण होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 पार्ट हैं ए बी सी डी। सबसे पहले ये शुरू के 2 देख लेते हैं, ए और बी। तो यहाँ पर ए में है, ये आप देख रहे हैं चतुर्भुज है, इसमें ये कोण निकालना है ये एक्स कितने डिग्री का होगा ये वाला कोण। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग अभी हमने देखा 360 डिग्री होता है, तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम इन चारों कोणों को जोड़ेंगे, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस एक्स, ये चारों कोण जोड़े, टोटल होगा इनका 360 डिग्री। अब इनको आपने सॉल्व करना है, बस इनको जोड़ें अगर इन तीन को, तो कितना बनता है 50 और 30 180 और 120, ये हो गया 300 प्लस एक्स, ये बराबर 360 डिग्री। यहाँ से एक्स निकालना कितना बनेगा, तो एक्स बराबर 360 डिग्री, और ये जो प्लस का 300 था यहाँ पर, वो दूसरी साइड जाएगा, माइनस 300 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये बन गया एक्स बराबर 360 माइनस 300 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया, चारों कोणों का योग पता था हमें 360 डिग्री होता है, उसमें से 3 दिए थे, 360 में से उन तीनों का टोटल माइनस कर दिया और चौथा कोण निकल गया। इसी तरह से यहाँ पर बी है, इसमें भी है चतुर्भुज है, इसमें भी एक्स निकालना है,
तो उसके लिए यहाँ पर 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये वाला इधर 90 है, तो आप जानते हैं इस तरफ ये 90 डिग्री होगा। तो ये तीनों कोणों का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। सेम यही करना है आपने, क्या सभी को जोड़ना है, क्या क्या, एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री और बराबर 360 डिग्री। अब फिर से सेम ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पर किया था, तो इसके आगे आपने इन दोनों को जोड़ लेना है, वो यहाँ लिखेंगे आप एक्स के साथ बराबर 360 डिग्री, फिर ये यहाँ से दूसरी साइड जाएगा माइनस होके, फिर आपके पास एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपने खुद कर लेना है। तो ये सेम इसी तरह से होना जैसे हमने ए पार्ट किया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट से। तो नेक्स्ट पार्ट में ये है, सी में ये फिगर दी हुई है, इसमें पांच भुजाएं, पांच कोण बन रहे हैं, एक यहाँ पर ये बन रहा है, दूसरा यहाँ पर बन रहा है, तीसरा ये और चौथा ये और पांचवा ये। तो पांच कोण है यहाँ पर, पांच कोण है, पंचभुज है ये, तो इसके पांचों कोणों का योगफल वो 540 डिग्री होता है, हमने पीछे देखा था। वो फिर से निकालना चाहे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, पांच माइनस दो, जितनी भुजाएं हैं या जितने कोण हैं उसमें से दो घटा के 180 डिग्री से गुणा करना, तो तीन आ गया ये, और 180 से गुणा करके ये आ जाएगा आपके पास 540 डिग्री। तो यहाँ पर इनका योग 540 डिग्री है, इसका यूज हमने करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सारे कोण दिए नहीं है, यहाँ दिया ये 30 डिग्री, ये एक्स है, ये एक्स है, लेकिन ये नीचे के दो कोण अभी आपको नहीं पता है, इनको आपको निकालना पड़ेगा। इन कोणों के नाम लिख लेंगे हम यहाँ पर, नंबर एक और नंबर दो कर देते हैं। तो कोण एक निकाल लेते हैं पहले। तो आप जानते हैं कि ये बाहर देखिए ये 70 डिग्री का कोण दिया है, तो ये अंदर का कोण जो है 180 में से घटाकर निकल सकता है, क्योंकि ये रैखिक योग बना रहे हैं, दोनों का टोटल 180 होगा। तो ये कोण एक आप निकालेंगे, सबसे पहले कोण एक 180 डिग्री में से बाहर का 70 डिग्री माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर दिया आपने, ये बच गया 110 डिग्री। इसी तरह से कोण नंबर दो निकालेंगे, कोण दो जो है ये भी 180 में से बाहर वाला माइनस करके निकल जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। अब आपने इन पांचों कोणों का योग निकालना है। पांचों कोणों का योग कहाँ से शुरू करें, कहीं से भी आप कर दीजिए। पहले ये 30 लिख लेते हैं, 30 डिग्री प्लस, उसके बाद दूसरा ये है x प्लस, उसके बाद ये कोण नंबर दो, कोण नंबर दो हमने ये निकाला 120 डिग्री प्लस, उसके बाद ये नंबर एक, ये नंबर एक हमने ये निकाला 110 डिग्री प्लस ये x, ये हो गए पांच कोण। पहला 30 डिग्री, दूसरा x, तीसरा ये कोण नंबर दो था, ये हमने 120 डिग्री निकाला है, ये कोण नंबर एक, ये 110 डिग्री निकाला है, और उसके बाद फिर ये x। तो इस तरह से ये पांचों कोण, पांचों कोणों का योगफल 540 डिग्री। चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360, पंचभुज में 180 डिग्री और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये 540 डिग्री हो गया। अब यहाँ से जोड़ना है आपने इन सबको, x और ये x जुड़ेंगे तो ये 2x बन जाएगा, प्लस 30 और 120, 150 और 110 ये, और तो ये हो गए 260 डिग्री। 30 और 120, 150, 150 और 110, 260 डिग्री बराबर 540 डिग्री। अब ये 2x बराबर 540 डिग्री, और ये प्लस का 260 था, माइनस में चला जाएगा यहाँ पर माइनस 260। तो आपके पास आ जाएगा 2x बराबर 540 में से 260 घटाना है, 0, 4 में से 6 नहीं घटेगा यहाँ से हासिल लेकर, ये 14 में से 6 घटाएंगे 8 बन जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 घटा के ये 2 आ जाएगा। तो 280 डिग्री आ गया। अब आपको x निकालना है यहाँ पर, तो x बराबर 280 डिग्री बटा 2, ये 2 गुणा में था, भाग में चला जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 8 और 0, तो ये x बराबर आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये आंसर बनेगा इसका 140 डिग्री। तो पांचों कोणों का योगफल 540 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपने ये पांचों कोण जो है इनको जोड़ना है, उसमें ये जो दो कोण है ये 180 में से बाहर वाले कोण को घटा कर देखिए, बस ये आपको इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद डी पार्ट की बात करें, तो डी पार्ट में यहाँ पर फिर से ये पांच कोण है, और यहाँ पर देखो पांचों भुजाएं बराबर दिखाई है, तो पांचों भुजाएं बराबर दिखाई है, तो जो पांचों कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे। इसमें से एक ये एक्स दिया हुआ है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और ये भी एक्स होगा। तो इन पांचों को जोड़ेंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, पांच बार,
बराबर टोटल 540 डिग्री, अभी हमने यहां भी देखा था। एक्स एक्स पांच बार जोड़ा तो ये 5x बन गया बराबर 540 डिग्री। x बराबर 540 डिग्री बटा 5, गुणा में था ये भाग में चला गया, यहाँ पर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 4 नहीं होता तो 0, फिर 40, 5 अठे 40, तो यहाँ पर x आ जाएगा 108 डिग्री। इस तरह से आपने इसको करना, तो इस तरह से ये चारों हो गए आपके पास। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये दो फिगर्स और इनमें ये ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड, ए वाले में और बी में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो ये बाहर के कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें x निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ये x अभी हमने जैसे देखा था पिछले क्वेश्चन में ही, अंदर दिया हो उससे बाहर का कोण कैसे निकालते हैं, या बाहर वाला कोण या अंदर कैसे निकालते हैं, ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सीधी रेखा रेखे के अंग होता है, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से ये 90 माइनस करके, 180 डिग्री माइनस 90 तो ये आ गया 90 डिग्री। y, y कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमें ये वाला कोण चाहिए, तो इसको बाद में ढूंढेंगे। तो y अभी रहने दिया हमने, z जो है वो 180 में से 30 डिग्री माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 150 डिग्री। y निकालने के लिए पहले हमें ये अंदर वाला कोण चाहिए, तो इस कोण को हम 1 लिख लेते हैं और ये 1 निकालते हैं, तो कोण 1 प्लस 30 प्लस 90, अंदर के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का, उसमें ये नंबर 1 जो है वो हमें पता करना है, तो नंबर 1 प्लस ये 30 प्लस 90 डिग्री, इनका टोटल हो गया 180 डिग्री। यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1 प्लस ये 90 और 30 ये 120 डिग्री बन गया बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा ये कोण 1 बराबर 180 में से 120 घटाएं 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। यहाँ पर ये 60 डिग्री अंदर का कोण आ गया, बाहर का कोण ये y निकालना है। अब ये y यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर करेंगे इसको, ये y पहले रह गया था, तो y जो है ये 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करती है, अंदर का 60 डिग्री आ गया, इसको माइनस कर लें तो ये आ गया 120 डिग्री, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब y निकल गया, अब हमें निकालना क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, तो अब निकालेंगे, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तो तीनों को जोड़ना है, x कितना निकला, x ये निकला आपके पास 90 डिग्री, फिर उसके बाद y, y यहाँ पर निकला ये 120 डिग्री, और उसके बाद z ये 150 डिग्री, तीनों को आपने जोड़ना है, 15, 12, 27, 27 और 9, 36 और 1, 0, 360, ये आंसर बन जाएगा इसका। तो त्रिभुज के बाहर के कोणों का, बाह्य कोण बोलते हैं इनको, इनका योग हो गया 360 डिग्री। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका, इसमें आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये निकालना है, बाहर के चारों कोणों का योग, तो उसमें से भी हमारे पास अंदर के तीन दिए हुए हैं, चौथा फिर निकालना पड़ेगा ये वाला, इसको नंबर 1 लिख लेते हैं, सबसे पहले इसी को निकाल लेते हैं, तो कोण 1 प्लस अंदर के सारे जोड़ते हैं, कोण 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री और चौथा ये प्लस 120 डिग्री। अब ये चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। यहां से कोण 1 आपको निकालना है, कोण 1 तो इन तीनों को जोड़ेंगे, 120 प्लस 80 200 प्लस ये 60 260 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहां से कोण 1 बराबर 360 डिग्री और ये माइनस 260 डिग्री, तो यहां से आ गया कोण 1 बराबर 100 डिग्री, 360 में से 260 माइनस हो गए, तो ये जो कोण 1 है यहां पर ये 100 डिग्री का आ गया। अब बाहर के सारे कोण निकालते हैं, x से शुरू कर लेते हैं, x तो ये 120 था अंदर, 180 में से घटा लो इसको, 180 माइनस 120 डिग्री, ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। y, y जो है उससे अंदर है ये 80 डिग्री, तो 180 में से ये 80 डिग्री घटा ले तो ये आ गया 100 डिग्री। z, z 60 को घटाना पड़ेगा 180 में से तो ये आ गया 120 डिग्री। और W, W यहां पर इसको घटाना पड़ेगा कोण 1 को, कोण 1 था 100 डिग्री, तो 180 में से 100 डिग्री घटा लो
ये बन गया 80 डिग्री। तो ये 100 डिग्री था यहाँ पर, ये वाला कोण एक, W निकालने के लिए 180 डिग्री में से इसे घटा दिया। तो अब हमारे पास x, y, z और w आ गए, आपको इन सब का योग निकालना है। तो इसलिए x plus y plus z plus w, तो पहले आपने ये करना है, उसके बाद ये करना है, इन चारों को जोड़ना है। क्या क्या है, 60 डिग्री प्लस 100, 120 और ये 80 डिग्री, ये सभी आपने जोड़ने हैं। प्लस करें तो 12, 8, 20 और 10, 30 और ये 6, 36 और एक 0, 360 डिग्री हो जाएगा इन चारों का टोटल। तो फिर से हमने देखा कि बाहर के चारों कोणों का योग 360 ही बन रहा है, त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो। इसी तरह से अगर आप पंचभुज भी लें कोई, तो उसमें भी बाहर के चारों कोणों का योगफल 360, बाहर के पांचों कोणों का 360 ही डिग्री बनेगा। षटभुज में भी 360 बनेगा। तो कोई भी जितना भी ज्यादा भुजाएं हो, बाहर के कोणों का योगफल 360 डिग्री ही बनता है। मेन यहीं पर यही सिखाने का मतलब था। तो निकाला कैसे हुआ आपने इसमें ये ध्यान रखना। तो हमने ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए, यही लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को देखकर आप समझकर अच्छे से इसको नोट करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक यू।